राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों का चुनावी प्रचार प्रसार का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में डींडवाना विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र सिंह ने ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क किया है। जनसंपर्क के दौरान प्रत्याशी जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रत्येक बीजेपी कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं और अब वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान से भय और अपराध का नामो निशान मिट जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बीजेपी कार्यकर्ता ने कसम खा ली है कि अब कांग्रेस सरकार से राजस्थान को मुक्त कर बीजेपी का कमल खिलाएगा। इसी क्रम में बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र सिंह ने भारतीय संस्कृति से मंत्रोच्चार कर मौलासर में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश मोदी, जिला परिषद सदस्य लाखाराम समेत मौलासर के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।